स्पेशल श्रमिक ट्रेन से भोपाल पहुंचे कामगारों के लिए घर अब बस कुछ ही दूर है। लाउडस्पीकर पर रतलाम जाने वाले कामगारों के लिए बुलावा आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे मध्य प्रदेश के 300 से अधिक मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन नासिक से भोपाल पहुंची है। नासिक से कल रात चली ये स्पेशल ट्रेन भोपाल के बाहरी इलाके के मिसरोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। कितने लोग आए हैं यहाँ पे मिसरोद स्टेशन पे और किस तरीके से उनकी व्यवस्था की गई, कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है? कल रात को 9:30 बजे नासिक महाराष्ट्र से ये स्पेशल ट्रेन चली है, जिसमे मध्य प्रदेश के 347 श्रमिक निकले हैं वहाँ से। इसमें कुल 28 जिलों के श्रमिक हैं। अभी तक हम 6 गाड़ियां यहाँ से रवाना भी कर चुके हैं। वो लोग सवेरे यहाँ 5:45 बजे स्पेशल ट्रेन पहुँच गई थी, उनको उतारा गया, वो फ्रेश हुए। इसके बाद फिर सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। सारे लोगों का अभी तक जितने भी लोग आए हैं वो सारे लोग मेडिकल स्क्रीनिंग में फिट डिक्लेयर हुए हैं। सारे लोग सामान्य स्थिति में है और उसके बाद उनको फलाहार दिया गया, फ्रूट्स खिलाए गए। फ्रूट्स खिलाने के बाद पानी पिलवाया गया, बिस्किट दिए गए उनको उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद, और उनको बस में रवाना किया जा रहा है। इस स्पेशल ट्रेन से कुल 347 मजदूरों को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश वापस लाया गया है। नासिक से भोपाल लाए गए इन कामगारों को मेडिकल जांच के बाद 15 बसों से उनके घरों को भेजा जा रहा है। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये पहली स्पेशल ट्रेन है जो मध्य प्रदेश के कामगारों को लेकर भोपाल पहुंची है। ये कामगार मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर, झाबुआ, पन्ना सहित 28 जिलों के रहने वाले हैं। 8 दिन पहले ही मुरैना से नासिक काम करने पहुंचे और लॉकडाउन में फंसे एक कामगार ने अपना दर्द साझा किया। नासिक में फंसा हुआ था मैं, अब जा रहा हूँ मुरैना। हाँ, तो वहाँ पे क्या करने गए थे आप? नासिक काम करने गया था मैं। फिर 8 दिन हुए थे काम करते करते, और फिर उधर पकड़ लिया पुलिस वालों ने, 1 महीने उनके यहाँ पे रहे थे। हाँ, अच्छा, कहाँ पे रहे थे? उधर देवलाली आठोड़ बाजार में, उधर ही नासिक। ट्रेन शाम को उधर से 8:30 बजे उसमें बैठे थे, इधर अभी उतार गई है सुबह। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक मजदूरों को ट्रेन के जरिए वापस लाया जाएगा। सीएम ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश के लगभग 40,000 मजदूरों को बसों से लाया जा चुका है। राज्य के अपर मुख्य सचिव ने बताया था कि इस वक्त 1 लाख, जिनमें से 50,000 मजदूर महाराष्ट्र में, 30,000 गुजरात में, 8,000 मजदूर तमिलनाडु में, 5,000 मजदूर कर्नाटक में, 10,000 आंध्र प्रदेश में और 3,000 मजदूर गोवा में फंसे हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।